कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में मजबूत करने के लिए गुरुवार को अल्मोड़ा में पार्टी के दिग्गज नेताओं का मंथन है, जहां पर कांग्रेस के ब्लॉक जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव सहित नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल हुए हैं। बैठक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर राज्य में भी माड़ा से पद यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारानी कहा कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी यात्रा को ब्लॉक स्तर तक जोड़ेगी। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का संदेश को उत्तराखंड के न्याय पंचायत तक पहुंचाया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को पूरे उत्तराखंड के न्याय पंचायत तक पहुंचाया जाएगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। माननीय राहुल गांधी जी उत्तराखंड तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये एक लंबा रास्ता है और जो तय हुआ था उसके अनुसार उनका रूट रहेगा। लेकिन हमारा और सबका फर्ज बनता है कि हम माननीय राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और जो संदेश इस यात्रा के द्वारा देना चाहते हैं। अनुवांशिक संगठनों की बैठक का है, जिसमें पीसीसी मेंबर्स की हम एक बैठक देहरादून ले चुके थे, लेकिन कुछ ये मानना था कि कुमाऊं में भी ये बैठक होनी चाहिए, तो आज ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और पीसीसी के मेंबर्स की बैठक है। और मुख्य इसमें जो एजेंडा है वो भारत जोड़ो यात्रा का अभियान उत्तराखंड में शुरू होना है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कुमाऊं मंडल के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, हमारे ब्लॉक इकाइयों के, नगर इकाइयों के और जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, सभी की एक बैठक यहाँ पर आयोजित की है, आहूत की गई है।